तो हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको तीन टाइप के टेक्स्ट इफेक्ट बनाना सिखाऊंगा, जिससे कि आप अपना थंबनेल को पहले से और भी अच्छा बना सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को प्लीज़ शेयर कर दें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो मैं अभी कोई भी एक प्रोजेक्ट ले लेता हूँ, 1920x180p, ये एक थंबनेल का साइज़ है, लेकिन मैं यहाँ ऐसे ही ले रहा हूँ ताकि मैं आपको समझा सकूँ। तो यहाँ पे मैं पहले एक बैकग्राउंड में थोड़ा सा बना लेता हूँ, ऑफ वाइट टाइप का। यहाँ एक ऑफ वाइट टाइप का मैं बैकग्राउंड बना लिया, और मैं आपको तीन टेक्स्ट पहले ला कर दिखा देता हूँ। तो हम लोग पहले तीन टेक्स्ट ले आते हैं अपना, और टेक्स्ट हम लोग का पिक्सल लैब का फोल्डर बनाए थे, और पिक्सल लैब का फोल्डर किधर गया भाई? हाँ ये रहा, तो ये रहा, आप देख सकते हैं कि ये एक हो गया। ठीक है, इसी को हम लोग डुप्लीकेट कर देंगे, तीन डुप्लीकेट, और तीनों को ट्रांसफॉर्म कर देंगे, दो और एक, इसको भी ट्रांसफॉर्म। ये हो गया तीन। अब सबसे पहला मैं आपको सिखाता हूँ, सबसे पहला हम लोग को करना सेलेक्ट, सॉरी सबसे फर्स्ट वाला को सेलेक्ट पिक्सल्स करते हैं पहले, फिर इसको एक ग्रेडियंट देंगे हम लोग, और ये हम लोग का स्टेप का ग्रेडियंट होगा ब्लू कलर का। और आपको कुछ नहीं करना है, एफएक्स में जाना है, ड्रॉप शैडो देना है, तो ड्रॉप शैडो में आपको ब्लर रख देना एकदम जीरो। कलर आप लोग को देना है, यहाँ पे कलर पिकर से पहले कलर सेलेक्ट करेंगे हम लोग, और इसका जो सबसे डार्क कलर है डार्क ले जाएंगे। ओके, और हम लोग इसका एंगल दे देंगे यहाँ पे ऐसे करके 180 डिग्री का एंगल दे देंगे। 180 डिग्री का एंगल देने के बाद आप लोग डिस्टेंस यहाँ साइड ऐसे आगे पीछे करके आप यहाँ देख सकते हैं कि कैसा 3D बन रहा है। तो हम लोग बेसिकली इसको 10 पे रखते हैं, और फिर से हम लोग एक बार इसको एक बार ड्रॉप साइड दे देंगे। यहाँ देख सकते हैं कि एक 3D टाइप का यहाँ पे लुक हो चुका है हम लोग का फॉन्ट का। अब हम लोग चलते हैं सेकेंड वाले फॉन्ट पे। तो हम लोग सेकेंड वाले का करना है ग्रेडियंट में टैब, ये ग्रेडियंट हम लोग को चुनना है, फिर एक एम्प्टी लेयर बनाना है, फिर इसको कर देना इन्वर्स। इन्वर्स करने के बाद हम लोग को कर देना फिल एंड स्ट्रोक। फिल एंड स्ट्रोक से हम लोग को करना ये वाला, इसमें जो लाइट कलर है सबसे ज़्यादा उसको सेलेक्ट करना है, और फिर स्क्रीन पे कहीं पे भी टैप कर देना, फिर ये इसको लीनियर डॉज करना है। फिर इफेक्ट में जाके गॉशियन ब्लर देने के बाद थोड़ा अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर लेंगे हम। एडजस्ट कर लिए, 11 में रख दिए इसको, और इसका नीचे वाले का लेयर का सिलेक्ट पिक्सल्स करके ऊपर से एक्सट्रैक्ट कर देंगे, और ये दोनों लेयर को मर्ज डाउन कर देंगे। मर्ज डाउन होने के बाद फिर से हम लोग को एक एम्प्टी लेयर बनाना है, इस बार इसके नीचे हम लोग को रखना है, और टेक्स्ट वाले लेयर का सिलेक्ट पिक्सल्स करना है हम लोग को। फिर फिल एंड स्ट्रोक में जाना है, स्ट्रोक हम लोग को देना है वाइट कलर से। वाइट कलर से देने के बाद हम लोग यहाँ स्ट्रोक सेलेक्ट कर लेते हैं, और इसको थोड़ा सा हम लोग बढ़ा लेते हैं। इसको बढ़ाने के बाद नीचे वाले को स्ट्रोक देना है, स्ट्रोक देने के बाद इसको हम लोग थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, स्क्रीन पे कहीं पे भी टैप कर लेंगे, और जो हमारा टेक्स्ट वाला लेयर है उसमें ड्रॉप शैडो दे देंगे। ड्रॉप शैडो देने के लिए यहाँ पे ब्लैक कलर सेलेक्ट करने के बाद यहाँ हम लोग ब्लर बढ़ा देंगे, डिस्टेंस को जीरो कर देंगे। तो ब्लर हम लोग ज़्यादा नहीं बढ़ाएंगे, थोड़ा सा बढ़ाएंगे, थोड़ा थोड़ा करके बढ़ाएंगे, दो तीन बार ड्रॉप शैडो दे देना हम लोग को। आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारा टेक्स्ट रेडी हो चुका है। और थर्ड हम लोग का इन दोनों को फिर आप लोग मर्ज डाउन कर देते हैं। फिर हम लोग को यहाँ पे देना है, इसका भी सिलेक्ट पिक्सल्स करना है हम लोग को। यहाँ एक ग्रेडियंट बनाना है, ग्रेडियंट बनाने के बाद एम्प्टी लेयर को सिलेक्ट करना, एम्प्टी लेयर बनाना है, फिर इन्वर्स कर देना है, फिल एंड स्ट्रोक जाना है, फिर फिल एंड स्ट्रोक में फिल कर देना है वाइट कलर से, और फिर हम लोग को इसको लीनियर डॉज कर देना है। फिर एफएक्स में जाके गॉशियन ब्लर देने के बाद फिर नीचे वाला टेक्स्ट को सेलेक्ट पिक्सल्स करके ऊपर से एक्सट्रैक्ट कर देंगे हम। फिर आप लोग देख सकते हैं यहाँ कुछ इस तरह का, फिर इसको मर्ज डाउन कर देते हैं। तो आज का बस हम लोग का यही था टेक्स्ट का ट्यूटोरियल, और मैं इसके पीछे एक सबको पहले हम लोग मर्ज डाउन कर लेते हैं, मर्ज डाउन, और फिर मैं इसके पीछे एक बैकग्राउंड लगा के आपको दिखा देता हूँ फाइनल लुक। ओके,
कोई भी हम लोग एक बैकग्राउंड ले लेते हैं। ओके इसके देख सकते हैं, इसको थोड़ा ट्रांसफॉर्म हम लोग कर देंगे, सॉरी हम लोग टेक्स्ट को ट्रांसफॉर्म करेंगे और ये हम लोग यहाँ लगा देते हैं ऐसे। आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना कूल बन चुका हम लोग का टेक्स्ट। तो होप करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, और पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें।